बात है। नमस्कार सर, क्या हाल चाल? मैं अच्छा हूँ मैम। आपने किस स्टॉक को खरीदा है, किस लेवल पर खरीदा है, कोई जानकारी दे। मैम मैंने RV को लिया था 38 की प्राइस पे, तो 1000 शेयर है मेरे पास अभी। मुझे ये बताइए कि आपको और इसमें कितना समय देना है? मैम मेरा टारगेट अभी 1 ईयर का है, 1 से 2 ईयर तक लॉन्ग टर्म के लिए है। 1 to 2 years का और इनका टारगेट है, मतलब समय की अवधि देना चाहते हैं। सौरभ, क्या करना चाहिए इनको और कितना रुकना चाहिए? 42 के लेवल, 38 की बाएंगे इनके। देखिए, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है इस बिजनेस की तरफ। इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और जितने भी इंफ्रा की कंपनियां हैं, खासा फायदा ले रही हैं इस क्षेत्र की। जो दिग्गज कंपनी मैं समझता हूँ, एचजी इंफ्रा या फिर केएनआर कंस्ट्रक्शन, पीएनसी इंफ्रा, सभी कंपनी अच्छा कर रही है। आईआरबी भी उसी क्षेत्र में कामकाज कर रहा है। और अगर लंबे समय के लिए आप रुकना चाहते हैं तो बिल्कुल इसमें आप रह सकते हैं, क्योंकि जहां तक की सरकार की बात है तो ये स्टेट इलेक्शन के बाद ही काफी हद तक क्लियर हो गया है कि बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा शासन जरूर बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, और यही नीतियां चलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिलता रहेगा और इस तरह की कंपनियों को जरूर फायदा मिलेगा, तो आप बने रह सकते। ठीक है, तो ये है सलाह, स्टॉक में बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है IRB इंफ्रा में।